यार जो भी बोलो पर पूरे डूडपुर में ना आपका बर्गर फ्राई सबसे ज्यादा टेस्टी होता है। लो सबाशी दे। भाई भाई सबाशी दे रहे थे, कहाँ भाग गया वो? ऐसा कोई करता है क्या? डिसरेस्पेक्ट किया वो मेरा शबाशी को। कोई ना कोई ना, खैर कोई ना, आज का दिन बहुत ज़्यादा खुशी वाला है बिकॉज आज फाइनली रिची खुलने वाला है। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हद से ज़्यादा खुश हैं। खैर अभी ये वाला रहा मेरा गड्डी ऑटो रिक्शा। और फोन किसका आ रहा है? किरिल का कॉल आ रहा है। किरिल की कॉल कर रहा है। हाँ किरिल बोलो, क्या हाल? आज रिची खुल जाएगा ना? और देखियो बात कुछ ऐसा है कि आज रिची नहीं खुल सकता। और क्यों नहीं खुल सकता? मुझे पता आपके दिमाग में बहुत सारा सवाल होगा, पर आप अभी घर जाइए, घर जाकर टीवी ऑन करिए, उसके बाद मेरे पास आइए। बहुत ज़्यादा दर्दनाक चीज़ टीवी पे दे रहा है, जल्दी जाइए और जल्दी आइए मेरे पास, मुझे पता पाओगे। यार यानी कल मैं कुछ समझा ना यार, ये क्या है बोल के चला गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। ऐसा क्या होने वाला है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आज रिची अंकल खुलेंगे? इतना ज़्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बस एक दिन और बच्चा नहीं खोल पाए तो फिर स्क्विड गेम की वो जो डॉल है वो हमें मार देगी। अब हम लोग क्या करें मुझे समझ नहीं आ रहा है। बस कल भर का टाइम है, आज भी नहीं खुले अगर रिची अंकल तो कल भी नहीं खुल पाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से आज ये पुलिस वाले क्यों मेरे पीछे पड़ गए, आई मीन हम लोग के पीछे। यार पुलिस वाले क्यों पीछे पड़ गए? ओ भाई साहब यार, ऊपर से ऑटो रिक्शा भी ख़राब है, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होते रहता है? अब हम लोग क्या करें मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सिंचन तुम टेंशन ना लो, मुझे उम्मीद है, मुझे पता है कि हम लोग कुछ ना कुछ जल्दी कर लेंगे। देखो इतना सारा चीज़ हम लोग किए, इतना सारा मिशन किए, तो शायद एक दो मिशन और हो, नहीं पता क्या होने वाला है, क्या दिक्कत आ गया वो तो अब टीवी देखने के बाद ही पता चलेगा। पर ये लोग टीवी तो देखने दे देखने नहीं दे रहे, मतलब हर वक्त आ जा रहे मारने, तो टीवी कहाँ से हम देखेंगे? मुझे समझ नहीं आता ऐसे भी कोई करता है क्या हमारे साथ। और यार ऊपर से हमारे कहाँ पर गाड़ी अटक गया? ये क्या पेड़ के ऊपर गाड़ी अटक गया था? पेड़ पे तो खजूर नहीं अटकते, गाड़ी अटक गया कितना अजीब बात है। खैर कोई ना, अभी हमें को जल्दी से यहाँ पर भागना होगा और जल्दी से पुलिस को एस्केप कराना होगा, वरना तो ये पुलिस वाले हमारे पीछे रहेंगे और हम लोग टीवी कभी नहीं देख पाएंगे। अभी टीवी देखना ही हो कि ऐसा क्या दे रहा है, क्या पता सिंचन को कोई स्पेशल एपिसोड देता हो, मतलब सिंचन तो हम ही हुए तो मेरा ही कुछ एपिसोड स्पेशल एपिसोड देता हो एक्शन कामिन वाला। खैर कोई ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिंचन टेंशन ना लो, फालतू बकवास मत करो अभी प्लीज़, ठीक है? अभी देखो बहुत टेंशन हो रहा है हमको, पता नहीं ऐसा क्या दे न्यूज़ पर। और धीरे देखो भाई साहब क्या गाड़ी पार्किंग की हम, डायरेक्ट सीधा पार्क हुआ एक नंबर। खैर कोई ना, अभी अंदर चल के देखा जाए, अभी पार्किंग वार्किंग का टाइम नहीं है। देखा जाए टी वी क्या दे रहा। हाँ भाई टी वी वाले एंकर आई मीन न्यूज़ वाले एंकर बोलो क्या हुआ? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है, आपको मालूम है लास्ट वाले दिन एक आदमी, मतलब सिंचन एक छोटा बच्चा, एक बिल्ली और एक आदमी, मतलब गेमर जुआना पता नहीं उसका नाम है शायद, वो लोग हेगम वाले को मिलकर बहुत मारे और अब सारे पुलिस वाले उसी को ढूंढ रहे हैं। अब क्या होने वाला है, कोई बता पाएगा? एक मिनट, क्या पुलिस वाले मुझे ढूंढ रहे हैं? ऐसा ऐसा यार मैंने दिमाग खराब हो रखा है, मैं कैसे भूल गया? हेगम वाले टीम में कौन है? और डॉक्टर ऑक्टोपस, स्केरी टीचर, स्क्विड गेम की वो जो डॉल है, ये सब हे गैंग से मिले हुए थे। तो हम हे गैंग को मारे तो मुझे पता था वो लोग तो मेरे ऊपर केस करेंगे ही, तो वो लोग शायद केस कर दिए, ज़रूर पुलिस वाले को बोल दिए होंगे, तो अब पुलिस वाले हमको ढूंढ रहे। यार ऐसा क्यों होता रहता है, अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब सच में मुझे किरिल के पास आना ही पड़ा, किरिल ही कुछ ना कुछ सोल्यूशन बताएगा शायद। देखो इसके पास भी होगा सोल्यूशन कि नहीं होगा नहीं पता मुझे, अब वो इसी से बात करके पता चलेगा। हाँ भाई किरिल क्या हाल है? यार अब मैं क्या करूँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम न्यूज़ देखे ना, मतलब तुम ही तुमको बोले तुम न्यूज़ देख लिए, पुलिस वाले हमको ढूंढ रहे, अब मैं क्या करूं? और देखियो आप टेंशन ना लीजिए, सुनने में थोड़ा सा चीज़ अजीब लगेगा बट एक सोल्यूशन है इसका, आप ना टैक्सी वाले बन जाइए। आज के दिन आप अगर टैक्सी वाले बन गए ना तो सबको लगेगा कि आप अच्छे इंसान है, भले इंसान है, ठीक है? उसके बाद पुलिस वाला आपका पीछा नहीं करेगा। तो आज के दिन आप टैक्सी वाला बन जाइए, कल के दिन पक्का हम रिचे खुरा लेंगे, आई मीन जेल से निकलवा लेंगे, टेंशन मत लीजिए। एक दिन का मेरे पास वक्त है तो जाइए टैक्सी वाला बनिए और देखिए क्या होता है फिर। उसके बाद डायरेक्टर चड़मैन से मिल लीजिए, वो आपको बुला रहा था बहुत जोर से, मतलब याद कर रहा था आपको। और आप एक और काम करिए, आप ना अभी जेल चले जाइए और रिची का जो जेल का नंबर है ना वो मुझे बता दीजिए, उससे हम उसका ना जेल का वो जो है सेल उसको हैक कर पाएंगे। जाइए जल्दी जाइए, उसका प्रेजेंट नंबर बताइए, फोटो खींच कर लाइए। यार चलो अच्छा बात है, हम लोग इतना जल्दी पहुंच गए पुलिस स्टेशन, हमारा जो रफ्तार है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऊपर से हमारे पास ये फॉर्मूला कार भी है ना, इसलिए और भी ज़्यादा हम लोग स्पीड चल पाते। खैर कोई ना, अभी जल्दी से हमें जेल का फोटो लेना है, उसके बाद हमें टैक्सी वाला भी बनना है कि रिची को खोलने के लिए, हमें बचाने के लिए क्या क्या सब करना पड़ रहा है हमें। खैर कोई ना, जल्दी से एक अच्छा सा फोटो ले लेते हैं। चलो फोटो लीजिए। और भाई रिची अंकल कैसे हो आप? डर रहे तो नहीं? आप डरो मत, हम लोग आपको जल्दी से निकाल लेंगे यहाँ से, आप टेंशन ना लो, ठीक है? किसने कहा मैं टेंशन ले रहा हूँ? मैं टेंशन नहीं लेता, ना 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 ना, मुझे पता है, मुझे पता है कल का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, कल का दिन मैं जेल से निकल के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ तुम लोग ठीक विक हो ना, मैं कल निकलूंगा तो मैं चौकोबी का 10 पैकेट दिलाऊंगा सिंचन। यार सच में आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मैं कल चौकोबी एक्शन कामिन वाला एडिशन वाला खाऊंगा और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू। चलो कोई ना, अभी तो बात बकवास वकास बहुत हो गया, अभी चलते किरिल के पास और किरिल को दे देते ये वाला उसका प्रिजन का नंबर और उससे पूछते कि क्या करना है। भाई साहब पता नहीं अब क्या करना होगा, शायद अब टैक्सी वाला बनना पड़े, वो तो अब इससे ही पता चलेगा। हाँ भाई किरिल क्या हाल है? हम लोग यहाँ पर आ गए, ये लो ये तुम फोटो ले लो, अब बताओ क्या करना है हमें, बताओ। और देखियो बहुत कुछ ऐसा, अब ना आप टैक्सी वाला बन जाइए, जैसा कि मैंने आपको बताया था मिशन में आपको यही करना, आज के पूरे दिन आप टैक्सी वाला बन जाइए, 3 आदमी को बस टैक्सी में बैठा लीजिए और अच्छा जगह अच्छा उतार दीजिए, ठीक है?
एकदम कंटिन्यूसली तीन आदमी को, समझ रहे ना? अरे यार मतलब हद हो गया, इतना ज़्यादा काम कराता है कि मतलब टैक्सी वाला बनना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। और ये हम जान मुझसे ये कौन किया, मुझे समझ नहीं आता ये कौन किया, मतलब यार कौन ये सब कर रहा है। आज के दिन ही एकदम बेकार, ऊपर से मैं टैक्सी वाला बनना पड़ रहा है, फालतू फालतू चीज़ हो रहा है आज के दिन तो। और एक मिनट, वॉइस सायरन एंड वाला सायरन बज रहा है यार, ये अजीब आवाज़ क्यों आने लग जाता है। और स्क्विड गेम यार ये फिर से आ गई। हाँ भाई चल बक अपना भीख मांग। अच्छा मेरा बात सुनो, पीछे खोलने के लिए बस एक दिन बचा है, मुझे पता तुम अभी तक नहीं खोल पाए, कल भी तुम नहीं खोल पाओगे, फिर तुमको मैं खत्म कर दूंगी, तुम सबको, रिची को भी, जाग को भी, तुम सबको खत्म कर दूंगी। ओए तू ज्यादा मत बागुस। अरे ये क्या किया स्क्विड गेम डॉल ने, बस एक दिन और, उसके बाद मैं ऐसे इतना थप्पड़ थप्पड़ मारूंगा कि अपना इशारा ही भूल जाएगी, अपने आप को पहचान ही नहीं पाएगी। ये डॉल है ना, इसका मैं हाथ पैर सब अलग कर दूंगा तोड़कर, फिर कभी चल ही नहीं पाएगी। ये बहुत ज़्यादा गाती है ना, इसका जबान में ना क्या करूँगा मैं, इसका जबान को ना बांध दूंगा मैं, कभी बात ही नहीं कर पाएगी, ओ माँ कर ही नहीं पाएगी, दिमाग ख़राब करती है। खैर कोई ना, अभी हम लोग को टैक्सी वाला बनना है, तीन आदमी लोग को हमको इनर रो उठाना है और उन लोग को पिकअप करना है और ड्रॉप भी करना है। कोई ना यार रियान, तुम्हारा ड्राइविंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे उम्मीद है तुम आसानी से कर लोगे। यार मुझे भी उम्मीद है यार रियान अंकल, आप ये आसानी से कर लोगे, बिकॉज आपका ड्राइविंग तो एक नंबर है, मुझे पता है। तीन आदमी लोग को तो आप आराम से इनर रोड छोड़ लोगे, पिकअप भी कर लोगे, ड्रॉप भी कर लोगे। देखो ना बहुत लोग ये वाला मिशन कर नहीं पाते, पर आप कर लोगे मुझे उम्मीद है। गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों से ये वाला मिशन हो पाया था कि नहीं हो पाया था एक बार में, मतलब आप लोग कितना ट्राई किए थे, देखना हम लोग एक बार में कर लेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रो है ना, और रियान अंकल का ड्राइविंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये देखो पहला आदमी ड्रॉप भी हो गया, सोचो कितना ज़्यादा जल्दी हम लोग पहला आदमी को ड्रॉप कर लिया, अब बस दो आदमी और, उसके बाद हमारा आज का ये टैक्सी वाला कोटा भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद हमें डायरेक्टिव चेयरमैन से मिलने जाएंगे, पता नहीं वो क्यों बुला रहा था, पर हाँ उससे भी तो मिलने जाना है ना, कोई ज़रूरी बात शायद वो बोले। हाँ यार सिंचन मुझे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या होते रहता है, हद यार हद है, मेरा पूरा मूड ख़राब हो रखा है। टैक्सी वाला बने और आज रिची भी नहीं खुल पाया यार, मतलब ऐसा ऐसा चीज़ हमारे साथ ही क्यों होता है मेरे साथ, मतलब। खैर कोई ना, अभी सबसे पहले मुझे आगे जाना है, और भाई साहब 27 सेकंड मतलब इसका दूर जाना है ज़रूरी है, दूर हो तभी इतना लंबा टाइम देते, वरना ये लोग शॉर्ट टाइम देते हैं, 10 सेकंड मतलब 15, अच्छा ये तो करीब ही था। भाई साहब इतना इजी मुझे मिल रहा है, मतलब मेरा ड्राइविंग इतना ज़्यादा अच्छा हो गया कि मैं लोग को आसानी से छोड़ दे रहा हूँ। देखो दो दो चेक यहाँ पर है ना, कितना यूनिक बात है ये भाई साहब, बस और एक आदमी उसके बाद मेरा पूरा काम हो जाएगा। चलो फाइनली अब मेरा पूरा काम कंप्लीट होने वाला है, तो भाई बैठ जा। यार बैठता क्यों नहीं है, पागल वागल हो क्या तुम, यार बैठ जाओ। चलो ये बैठ रहा है और अब हमारा शायद कंप्लीट हो जाए। ये लास्ट आदमी है, ये भी दूर जाएगा क्या, ये 30 सेकंड क्यों दिखा रहे, ज़रूर इसका भी दूर होगा, बट कोई ना जितना भी दूर हो हम लोग आसानी से छोड़ देंगे, कोई भी बड़ा बात नहीं है, कोई भी बड़ा डील नहीं है, आसानी से हम लोग कर देंगे मुझे उम्मीद है। तो अभी ये देखो इसको जाना है होटल के पास, चाहे फॉरेनर हो तभी इसको होटल में अपना वापस जाना है, इससे मैं ज़्यादा पैसा लूँगा, पर छोड़ो पैसा का मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बस टैक्सी वाला बनना था, हम बन गए और सारा कुछ हो गया। यार हम लोग का मिशन कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा बात है। गाइस आप लोग एक काम करो, अभी कभी साल वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए होते चैनल को कर देना सब्सक्राइब, नए हो पुराने से फर्क नहीं पड़ता, मुझे रेड वाला बटन सब्सक्राइब का उसको दबा के ना ग्रे कर देना। मुझे पता है आप में से बहुत लोग हमारी वीडियो रोज़ देखते पर सब्सक्राइब नहीं किए, तो यार कर दो ना, क्यों नहीं किए। बाकी हम लोग यहाँ पर आगे लैम्बोर्गिनी लेने, बिकॉज टैक्सी चला के इज्जत डूब गया, नहीं ऐसा बात नहीं है, बट लैम्बोर्गिनी चलाना था हमें, लैम्बोर्गिनी तो है ही नहीं। और ये क्या हो गया, ओ भाई साहब यार ये विलन इतने क्यों आते जाते हमारे पास है। हाँ भाई क्या काम है, किस लिए आ गए हो? मैं बस यही बताने आया हूँ, आज का दिन तुम लोग का आखिरी दिन है, कैसा लग रहा है आखिरी दिन जी कर, क्योंकि मुझे पता है आई मीन कल का दिन तुम लोग का आखिरी है, क्योंकि कल के दिन भी तुम ऋषि को नहीं खोल पाओगे, और फिर हम सब मिलकर तुमको खत्म कर देंगे स्क्रूड गेम के साथ, आई मीन हम सब मिलकर तुमको खत्म कर देंगे, जैक को, सिंचन को, ऑगी को, रिची को, कोई भी नहीं बचेगा, फिर डूपर पर हमारा राज होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा राज। अरे वो सब तो ठीक है, अपना बकवास किया करो भैया, बट ये कॉम्प्लीमेंटरी ग्रेनेड की छोड़ के चले जाते हैं यार, मुझे समझ नहीं आता, बट कोई ना अब हमारा सारा काम हो गया, हमने टैक्सी वाले भी बन गए, अब मुझे बस डायरेक्टर चेयरमैन से जाके ये पूछना है कि कल के दिन फाइनली रिची खुलने वाला है ना, क्योंकि अगर कल के दिन रिची नहीं खुला तब तो भाई साहब सोच लो हम लोग हमेशा के लिए हारने वाले, कल का दिन हमारे लिए आखिरी दिन है, अब हम लोग क्या करेंगे मुझे कुछ भी नहीं पता। अब देखो क्या होने वाला है, मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, देखो क्या होता है यार, मैं किसी बाबा बोलना कैसे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ भाई डिटेक्टिव चोड़ा मैन यार, मैं तुम्हें क्या बता, तुमको मालूम है कल का दिन आखिरी दिन, अगर कल का दिन रिची नहीं ना खुला तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब बताओ क्या करना है, रिची को कैसे खोलना है? ड्यूड डोंट बी रूड, मुझे पता है अब तो बस तुम्हें रिची को खोलना है, पर डिटेक्टिव चोड़ा मैन, डॉक्टर ऑक्टोपस, ये सब लोग, आई मीन डॉक्टर ऑक्टोपस, स्क्विड गेम डॉल, वो सब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जैसे ही तुम कल के दिन आओगे रिची को यहाँ पर खोलने, उस वक्त बहुत सारे पुलिस फोर्स आ जाएंगे तुम्हें रोकने के लिए, इसलिए काम करो अभी जाओ वेपन शॉप और वहाँ से अच्छा अच्छा वेपन खरीदो, ये तुम्हारा बहुत काम देगा। यार ये तो सच में बहुत अच्छा प्लान है, आप तो सच में बहुत अच्छे हो यार डिटेक्टिव चेयरमैन, दिल खुश कर दिए आपने तो।
खैर कोई ना, ये बहुत सही बात है, हम लोग को जल्दी से वेपन खरीदना होगा बिकॉज कल के दिन बहुत सारे पुलिस वाले आने वाले और हमारे पास अच्छा वेपन भी नहीं है। अच्छा वेपन छोड़ो, हमारे पास तो वेपन ही नहीं है, बस वेपन के नाम पे एक ग्रेनेड और एक रॉकेट लॉन्चर है, उससे भला क्या ही होगा। इसलिए चलो अच्छा हम लोग यहाँ पर आ गए, अब एक काम करते हैं, अपना गाड़ी को हम करते हैं यहाँ पर पार्क, गन शॉप आ गए तो बहुत सारा गन खरीदते हैं, अपना मज़ा आएगा बेड़ू। तो सबसे पहले हम क्या खरीदे, स्नाइपर खरीद लेते हैं ब्लैक M16, उसके बाद एक मशीन गन और ये छोटा सा ट्रम्पी भी खरीद लेते हैं, अच्छा लगता है, और ये एयर हॉर्न भी खरीद लिया, चलो बहुत ज़्यादा ओपी बात है। अब मैं काम करता हूँ, मैं इस वाले मशीन गन का 5000 एमओ खरीद लेता हूँ बिकॉज कल बहुत तबाही मचाना है हम लोगों को, और मैं इस ट्रम्पी का भी 5000 खरीद लेता हूँ, आई मीन ये तो एयर हॉर्न है कोई ना, और बाकी सबका भी मैं ज़्यादा ज़्यादा खरीद लेता हूँ, इसका मैं 200 पीस खरीद लेता हूँ ठीक है। और मैं काम करता हूँ, बाकी सब तो हो गया ना, अरे यार ये भी है, इसका मैं 1000 पीस गोली खरीद लेता हूँ, चलो 1000 पीस गोली हो गया इसका, बहुत अच्छा बात है, इसका भी मैं खरीद लेता हूँ भाई साहब ओपी। अरे बस सिंचन साहब आज ही खरीद लोगे क्या? खैर गाइस मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ। बाकी कल के दिन फाइनली हम रुचि को जेल से छुड़ाने वाले, मुझे उम्मीद है आप लोग सबका कल के दिन का वेटिंग करते होंगे, वेट करते होंगे। और या आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जब तक ठीक है यार, अल्लाह हाफिज़। अब नहीं बचने वाला वो स्क्विड गेम डॉल और वो क्या नाम था उसका भाई, क्या, और मैं कहाँ अटक गया भाई साहब, ये क्या होता रहता है, हाँ उसका क्या नाम था, उसका नाम था डॉक्टर ऑक्टोपस। हाँ।